100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गांव के कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग महिला के परिवार पर हमला करने का आरोप लगाया है। मामला थाना बीबी नगर के आकापुर टियाना गांव का है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने दबंगों से परेशान होकर जिले के एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस मामले में बुजुर्ग महिला के पोते का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला का पोता गौरव त्यागी समाज सेवा करता है और लॉकडाउन के समय गरीब लोगों की मदद करता है, जो गांव के कुछ दबंगों को रास नहीं आ रहा और बुजुर्ग महिला के परिवार पर हमला कर रहे हैं। वायरल वीडियो में गौरव त्यागी ने अपना काम जारी रखने का संकल्प दोहराया है और कहा कि अगर इसके परिवार को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार हमला करने वाले दबंग ही होंगे। इस बात की शिकायत उन्होंने एसएसपी बुलंदशहर को भी लिखित रूप में दी है। नमस्कार, ये जो इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करा और जो मेरे और मेरे परिवार को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जो हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। इन लोगों के दिमाग में जो ये भी गलत फहमी है, हम किसी के विरुद्ध काम नहीं कर रहे। कोरोना COVID-19 से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं और जो भी गरीबों की मदद हो पा रही है वो हम कर पा रहे हैं। इसलिए ये लोग हमारे विरुद्ध और हमारे परिवार के विरुद्ध ये चंद लोग हैं। मैं शासन और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग इस चीज़ के लिए छोड़ें और मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को अगर कोई परेशानी होती है तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, जिनके लिए मैंने कप्तान साहब को भी अवगत करा दिया है, मौखिक तौर पर भी और लिखित तौर पर भी।